टुडेज टॉपिक इज़ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाबल मल्टी वाइबरेटर इन बाइसटेबल मल्टी वाइबरेटर देर आर टू स्टेबल स्टेट्स सो इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइबरेटर एज द नेम रिप्रजेंट्स देर इज़ ओनली वन स्टेबल स्टेट मोनो मीन्स इट मीन्ज इट हैज़ ओनली वन स्टेबल स्टेट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमारे पास जो है वो अगेन वही हमारी आलमोस्ट जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं Q1 वन एंड क्यू एक ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्टिंग स्टार्ट कर देता है दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है और ये इसकी जो है वो एक स्टेबल स्टेट होती है अगर हमने इसकी स्टेबल स्टेट को ख़त्म करना होगा तो हमें एक इनपुट पल्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी ट्रिगरिंग पल्स तो जब हम ट्रिगरिंग पल्स देंगे Q1 के ऊपर जो कि नॉन कंडक्टिंग था वो कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा और जो दूसरा Q2 टू कंडक्टिंग था वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा ये इसकी स्टेबल स्टेट नहीं है बिकॉज ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम तक रहती है और वो टाइम डिपेंड करता है आर के ऊपर नो दैट टी इज़ इक्वल टू आर इन टू सी टाइम कॉन्स्टेंट जो कि आर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है तो इतने टाइम के बाद ये अगेन अपनी उसी स्टेट में चला जाएगा जो कि इसकी स्टेबल स्टेट थी जो कि Q1 वन नॉन कंडक्टिंग एंड Q2 टू कंडक्टिंग स्टेट थी अब हम इसकी जो है वो सर्किट डिटेल्स जो है उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं Q1 वन एंड क्यू टू दीज आर टू ट्रांजिस्टर्स इनके साथ प्रॉपर बाइसिंग की गई है इनकी प्रॉपर बाइसिंग ये होती है इनपुट लूप को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है एंड आउटपुट लूप को रिवर्स बाइस किया जाता है अब देखिए यहाँ पे जो Q1 है इसके इनपुट लूप पे एक बैटरी लगाई गई है ये बैटरी क्या काम कर रही है ये बैटरी इसके इनपुट लूप को रिवर्स बाइस कर रही है क्योंकि हमारी ये इसकी स्टेबल स्टेट ही है जिसमें क्यू वन नॉन कंडक्टिंग है तो हमने ऑलरेडी इसको नॉन कंडक्टिंग किस तरह से बनाया है वी बी बी बैटरी जो कि रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है इसको हम लोगों ने इसके साथ अटैच किया है ये इसकी ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये इसके इनपुट लूप के साथ जो है बैटरी लगाई गई है जो कि इसको नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रखती है क्योंकि इनपुट लूप जो है वो रिवर्स बाइज है किसी भी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बाइसिंग जो है वही होती है इनपुट लूप शुड बी फॉरवर्ड बाइज वे आउटपुट लूप रिवर्स बाइज तो यहाँ पे और इसके साथ साथ वी सी सी बैटरी क्या करती है ये आउटपुट लूप को रिवर्स बाइज स्टेट में रखती है ये क्यू टू को कंडक्टिंग स्टेट में रखेगी आउटपुट रजिस्टर्स जो है ये कनेक्ट की गई हैं R1 वन एंड आर ये दोनों इक्वल हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है ये कैपेसिटर इसलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे ये जो इसकी Q1 जब कंडक्ट करेगा तो ये डिपेंड करता है इसके R एंड ये R और C की वैल्यू के ऊपर कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेगा तो पहले जब ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी जब सेचुएशन पॉइंट पे उस वक्त आएगा जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा जब फुली चार्ज हो जाएगा फिर वो डिस्चार्ज करेगा और ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में ले जाएगा क्यू वन को और क्यू टू कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा जो कि इसकी स्टेबल स्टेट है और यहाँ पे आउटपुट जो पल्स है वो किसी भी ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो है वो ली जा सकती है हम लोग यहाँ पे क्यू टू के क्रॉस ले रहे हैं तो अब इसके ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं इसकी अरेंजमेंट्स में क्यू वन जो है वो कट अप स्टेट में है क्यू टू जो है वो सैचुरेशन स्टेट में जाएगा क्योंकि हम लोगों ने वी बी बी बैटरी के साथ इनपुट लूप को रिवर्स पाइज किया हुआ है तो ये इसकी स्टेबल स्टेट है ये उस वक्त तक रहेगी जब तक इनपुट ट्रिगरिंग पल्स नहीं दी जाएगी जैसे ही इनपुट ट्रिगरिंग पल्स जो है वो यहाँ से वी से दी जाएगी ये क्या करेगा क्यू वन को जो है वो कंडक्टिंग स्टेट में ले आएगा क्यू वन को जब ये कंडक्टिंग स्टेट में ले आएगा तो इसके आउटपुट का जो वोल्टेज है वो जाएगा इसके बेस में तो ये पीएनपी एन ट्रांजिस्टर है एन के साथ जब पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो एन टाइप साइड को दिया जाएगा तो वह क्या करेगा इनपुट क्लूब का रिवर्स प्राइस इसका मतलब जब क्यू वन कंडक्टिंग स्टेट में जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो जाएगा Q2 की बेस में Q2 की बेस जो कि एन टाइप है एन टाइप के ऊपर जब पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा तो वो इनपुट लूप का रिवर्स बाई स्टेट मिल जाएगा जो कि नॉन कंडक्टिंग कंडीशन है इसका मतलब Q2 टू नॉन कंडक्टिंग मोड में जाने जाएगा और Q1 जो है वो स्टार्ट कर देगा कंडक्शन को इसके बाद ये सेचुरेशन पॉइंट पे कब जाएगा जब ये चार ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो जाएगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो ये इसका सेचुरेशन पॉइंट है इस पॉइंट पे फिर ये क्यू वन करेगा और डिस्चार्ज करेगा तो फिर ये क्यू टू को जो है ये कंडक्टिंग स्टेट में ले आएगा और Q1 जो है ये कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा दिस वन इज़ द वर्किंग ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर